हेलो फ्रेंड, मैं हूँ जीवन और आप देख रहे हो हमारे पास चैनल जो कि जीवन पर। तो फ्रेंड मैं फिर से अगर नया वीडियो लगा तो फ्रेंड ये जो टॉपिक है टॉपिक पर मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता कि बट फ्रेंड मैं जब भी इस जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम को फेस मैं भी कर रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड मैं भी एक जियो यूज़र ही हूँ। हाँ फ्रेंड, आप शायद सोच रहे हो कि जियो का जो इंटरनेट स्पीड उसी के ऊपर मैं वीडियो बनाना। तो फ्रेंड मैं यूट्यूब से बहुत सारे वीडियो देख चुका लेकिन फ्रेंड एक भी वीडियो से मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। मैं आपको क्या बोलूँ, मैं भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो फ्रेंड मैं बहुत सारे गूगल स्टडी करने के बाद गूगल रिसर्च और स्टडी करने के बाद मैं ये जान पाया कि जियो का जो सर्वर है वो हर वक्त चेंज होता रहता है। तो फिर ये मेन रीज़न जियो का जो सर्वर है वो बहुत ही इंप्रूव करने जा रहा है। तो इंप्रूव की वजह से उसका जो सर्वर है वो मेंटेनेंस की वजह से उसका जो सर्वर है वो दिन ब दिन चेंज होता रहता है। तो यही है मेन रीज़न, जब जिस सर्वर पे वो काम करता है तो उस सर्वर को बहुत ही सारा डाउन कर देता है। तो फ्रेंड प्लीज़ 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 वीडियो अंत तक जरूर देखना। और आपको जो इंटरनेट स्पीड, मैं ये नहीं कह सकता कि आपका इंटरनेट स्पीड मैं 100 एमबी तक पहुंचा सकता हूँ, लेकिन फ्रेंड हाँ मैं 100% श्योरिटी के साथ ये कह सकता हूँ कि आपका एरिया पे जितना भी सर्वर है उस सर्वर का हाई स्पीड तक मैं आपको फ़ोन को पहुंचा सकता हूँ। हाँ फ्रेंड, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका फ़ोन को मैं 100% आपका एरिया के जो हाई स्पीड सर्वर है उसका तक मैं पहुंचा सकता हूँ। आपके एरिया पे जितने भी हाई स्पीड देता है मैं उस तक पहुंचा सकता हूँ। उस तक पहुंचने में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो फ्रेंड प्लीज़ 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 वीडियो का अंत तक जरूर देखना। ये सिर्फ ट्रिक्स है, ट्रिक्स 2 से 3 मिनट लगेगा समझने में। तो क्या होगा फ्रेंड, आपके लाइफ से 2-3 मिनट वेस्ट होंगे, लेकिन फ्रेंड अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपका लाइफ से प्रॉब्लम हमेशा की तरह सॉल्व हो जाएगा। मैं नीचे पे मेरा डिस्क्रिप्शन पे मेरा जो फ़ोन नंबर है वो भी मैं दे दूंगा, तो आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। फ्यूचर पे जब भी कोई जियो का सर्वर चेंज होता रहेगा तो मैं उस सर्वर का अपडेट्स मैं यहाँ पर देता रहूँगा। तो प्लीज़ 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 वीडियो का अंत तक जरूर देखना। तो फ्रेंड चलिए बिना वेस्ट योर टाइम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको सेटिंग्स पर जाना होगा। तो सेटिंग्स पर जाने के बाद फ्रेंड सिंपल से आपको, आप सब लोग जानते हो जिन जिन यूज़र ने पिछले बार सर्वर चेंज किया तो उन्होंने तो जाना ही होगा। और जिन जिन यूज़र न्यूज़र है तो सबसे पहले आपको सेटिंग्स पे कनेक्शन पे जाना है। कनेक्शन पे जाने के बाद फ्रेंड, हाँ फ्रेंड आप सही सोच रहे हो मैं एक्सेस पॉइंट के बारे में बात करने वाला हूँ। तो फ्रेंड सिंपल से यहाँ पर एक्सेस पॉइंट पे आना है। हाँ फ्रेंड आप सही सोच रहे हो यहाँ पर। सेकंड फ्रेंड, वीडियो काटने से पहले वीडियो एक भी बात मत करना, स्किप मत करना, क्योंकि फ्रेंड यही पे अक्सर हर यूज़र ने गलती कर देता है फ्रेंड और बाद में कमेंट में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आप पहले वीडियो को पूरा का पूरा देख लीजिए बिना स्किप करे, उसके बाद आप कुछ भी कह सकते हो। तो फ्रेंड सबसे पहले यहाँ पर ऐड करना है। फ्रेंड आप देख सकते हो मेरा ऑलरेडी 3 एक्सेस पॉइंट है, तो मैंने क्यों रखा एक ही उसे, अगर एक एक्सेस पॉइंट से काम बन जाता तो मैं क्यों रखता 3 एक्सेस पॉइंट। फ्रेंड मुझे अब भी एक एक्सेस पॉइंट लाना है, तो यहाँ पर ऐड करना है। फ्रेंड ऐड करने के बाद आप यहाँ पर सिंपल से यहाँ पर हर वक्त की तरह यहाँ पर कैपिटल पे जियो 4G लिखना है। सॉरी फ्रेंड, सॉरी फ्रेंड यहाँ पर जियो नेट, जियो। एक बात का ध्यान देना चाहिए फ्रेंड आपको, ये जो जियो नेट है ये कैपिटल पर लिखना चाहिए। तो आपका जो APN है यहाँ पर जियो कैपिटल पे जियो 4G। फ्रेंड आपको ध्यान देना चाहिए यहाँ पर जियो कैपिटल पे ही लिखना है, स्मॉल लेटर पे नहीं लिखना चाहिए। तो फ्रेंड यहाँ पर जो यूज़र नेम है, फ्रेंड यूज़र नेम पे आपको लिखना है सिंपल सा इंटरनेट, जो कि है फ्रेंड, फ्रेंड प्लीज़ गौर करने वाली बात यही है, मैं जो बात बार बार कह रहा हूँ कि उसको आप कैपिटल में लिखना चाहिए, इंटरनेट। तो फिर सिंपल से यहाँ पर इंटरनेट लिखना है फ्रेंड। और ये जो सर्वर है फ्रेंड, सर्वर पे यहाँ पर कैपिटल पे प्लीज़ 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 फ्रेंड कैपिटल पे ही लिखना, google.com। फ्रेंड अक्सर यहाँ पर लोग गलती कर देते हैं फ्रेंड, ये जो सर्वर पे यहाँ पर इंटरनेट लिख देते हैं और जो यूज़र नेम है वहाँ पर google.com लिख देता है। तो फ्रेंड यहाँ पर तो पहले google.com लिख रहा था, लेकिन फिर अभी इससे थोड़ा सा जो कम्युनिकेशन उस पर गड़बड़ की वजह से यहाँ पर www की भी लिखता है, क्योंकि फ्रेंड यही है उसका होस्ट। तो फ्रेंड www.google.com, उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर सिंपल से यहाँ पर MMS पोर्ट प्रॉक्सी सब कुछ ठीक रहना है। उसके बाद फ्रेंड यही जो मेन पॉइंट है फ्रेंड, APN प्रोटोकॉल यहाँ पर फ्रेंड IP4 है, यहाँ पर IP4/6 देना है और ये भी यहाँ पर भी सेम रहना है। तो उसके बाद फ्रेंड ये जो बियरर यहाँ पर फ्रेंड आपको एरिया पे जिस 4G का एक एक डिपार्टमेंट होता है फ्रेंड, तो अगर आप नहीं जानते कि आपके एरिया पे कौन सा सर्विस है तो आप यहाँ पर मेरे जैसा टिक मार दीजिए, ये सबको टिक मार दीजिए। बस फ्रेंड आपको यहाँ पर यही सब कुछ टिक मारना है। आप अगर आप जानते हो कि इसके अलावा ये कुछ भी आपके एरिया पे है तो फ्रेंड उसको भी टिक मार सकते हो। फ्रेंड आप, मैं रिकमेंड करूँगा आप सबको ही मारे, लेकिन फ्रेंड जितना ज़्यादा मारोगे आपके सेट पे उतना ही प्रेशर आएगा। तो फ्रेंड मेरे हिसाब से यही रखता है एवरेज एरिया पे। तो इसको टिक मारने के बाद ओके, ओके के बाद फ्रेंड यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क वर्चुअल नेटवर्क यहाँ पर यही रखना है सिंपल सा। फ्रेंड यहाँ पर सेव कर देना है। उसके बाद फ्रेंड सिंपल से यहाँ पर जियो 4G पे आने का है। आने के बाद फ्रेंड यहाँ पर सिंपल सा सेव कर देना है। फ्रेंड ट्रिक्स यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ फ्रेंड,
यहाँ पर जो मेन बात है फ्रेंड, अब आपको सेट जो सेट है उस सेट को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ फ्रेंड, पूरा का पूरा फैक्ट्री रिस्टार्ट नहीं, सिंपल से आपका रिबूट, उसको रिबूट भी किया जाता है। जैसे कि फ्रेंड आपका जो सेट वो स्विच अप करके फिर से स्विच आउट करना है। तो फ्रेंड इसके 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 बीच में आपका जो सिम कार्ड और बैटरी उसको खोलना पड़ेगा। फ्रेंड स्विच अप करने के बाद आपका सिम और बैटरी खोलना पड़ेगा। खोलने के बाद फ्रेंड एक मिनट तक रख दीजिए, उसके बाद फिर से आपको जो फ़ोन है वो ऑन कीजिए। मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आपका जो स्पीड है वो आपके एरिया पे जितना भी हाई स्पीड है उस तक आपका फ़ोन को पहुँचा सकता हूँ, उस तक आपका जो फ़ोन है वो पहुँच जाएगा। तो फ्रेंड प्लीज़ 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 वीडियो को देखकर आपका ट्रिक्स जो है वो अपना कर देखिए। अगर नहीं काम आया तो आप कुछ भी कह सकते हो कमेंट में। अगर काम आया फ्रेंड तो प्लीज़ लाइक कर देना। और अगर आपको लगता है कि मेरे ट्रिक्स से आप खुश हुआ तो फ्रेंड आपको सेटिस्फाई मिला तो फ्रेंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सेकेंड टाइम जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो फ्रेंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।